राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गोपनीय शाखा के कर्मचारी की मिली भगत से सीकर के निजी स्कूल संचालक द्वारा परीक्षक से उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर बढ़ाने का मामला सोमवार को मीडिया में उजागर होने के बाद एनएसयूआई के द्वारा बोर्ड ऑफिस में प्रदर्शन कर बोर्ड सचिव का घेराव किया गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की मिलीभगत से लाखों रुपए रिश्वत लेकर विद्यार्थियों के नंबर बढ़वाए जा रहे हैं। ये उन छात्रों के साथ कुठाराघात है जो मेहनत के दम पर मेरिट में आना चाहते हैं। एनएसयूआई से संबद्ध छात्र नेताओं ने बोर्ड सचिव को चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों में जांच कमेटी बनाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो बोर्ड ऑफिस पर तालेबंदी कर दी जाएगी। भाजपा की सरकार, भाजपा का शासन, भाजपा का चेयरमैन, उसके होते हुए सर इतनी बड़ी धांधली बोर्ड ऑफिस के अंदर हो रही है और पैसे देकर के सर बच्चों के रिजल्ट नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। ये परीक्षाएं जो बीजेपी शासन में हो रही है, आठ टेट जो हो रही है, सब में घपले हो रहे हैं। और कल ये मामला उजागर हुआ बोर्ड ऑफिस के अंदर, विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर जहाँ पर कॉपियाँ गई है, उनके टीचरों के नंबर, एड्रेस सब कुछ बताएं सर 1 लाख रुपये में। तो सर आप ये बताइए फिर कब से चला रहा होगा ये? तो हमने यहाँ पर आकर के आज जो सेक्रेटरी साहब है उनको इस्तीफे की मांग की है चेयरमैन साहब की, और चेयरमैन साहब को जब इतनी बड़ी घटना हो गई सर तो उन्हें यह होना चाहिए जबकि वो अपनी कुर्सी पर नहीं है, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो भी इस कार्य में कहीं ना कहीं लिप्त है।